हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम एस स्टार्स एंड मार्वल फिटिंग पर। मैंने ये ब्लेड मंगाया था जो एंगल ग्लेंडर में लगने के लिए दोनों साइड से ये मोल्ड करता है। इसको काफ़ी आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, काफ़ी ये चर्चित में। मैं इसके दोनों तरीके से पहलू बताऊंगा, इससे कितना फ़ायदा है और ये हमारे किस काम का नहीं है ये भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी ये कितने थिसनेस में आता है, कितनी मोटाई तक में आता है। जो ये पेला आता है वो हमारा 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm ये साइज है। आप इस साइज का ले सकते हो। ये हमारा है ये 20 mm का है, 20 mm का। हम इसका प्राइस भी बताएंगे कि मुझे ये कितने में पड़ा है। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। इसके साथ में ये वाशर भी मिलता है जो मशीन में लगाने का है, मगर इसका मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो हमारी ग्लेंडर मशीन होती है इस तरीके की, उसका जो आप ब्लेड लगाते उसी चक में ये लग जाता है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चक या एक्स्ट्रा वाशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ब्लेड के तरह ये लग जाता है। अब हम इसको यूज़ भी करेंगे कि हमारा यूज़ कैसा होता है, हमारा कितना ये काम करता है, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे ये हमारे पास है ग्रेनाइट की ब्लेड पट्टी है 2 इंच की। अब हम इसको मोल्ड करेंगे। मैं वीडियो को फास्ट नहीं करूंगा, आपको भी मालूम होना चाहिए कि हमारा ये कितनी देर में मोल्ड हो रहा है। नॉर्मल स्पीड पर हम चला रहे हैं वीडियो को। मोल्डिंग तो इससे काफ़ी फास्ट हो रही है, मगर इसमें एक चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, जो अगर हम मिस्त्री की लैंग्वेज में बोलें, जो मोल्डिंग है, मोल्डिंग में हल्के हल्के गड्ढे हो रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मोल्ड नहीं हो रही है। हम इसको आपको जूम करके भी दिखाएंगे। अगर आप इसे हाथ से देखोगे तो फिर ये आपको लहर मारती हुई दिखेगी, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसकी मोल्डिंग नहीं हो रही है। हम एक बार हल्के हाथ से भी इसको फिनिशिंग करके देखते हैं, शायद हो सकता है आ जाइए। ये हमारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं आई। आप ये साइड से देख सकते हो किस तरीके से ये लहर मार रही है। आपको ब्लेड से एक बार फिनिशिंग इसकी मारना होगी, वरना आपको बट्टी अगर आप मारोगे 60 नंबर या 80 नंबर तो फिर आपको काफ़ी टाइम लगेगा बट्टी मारने में, क्योंकि इसमें ठेले बन रही हैं। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसकी मोल्डिंग नहीं हो रही है। अब हम देखेंगे कि हमारे जो ब्लेड का डायमंड है किनारी साइड का, वो हमारा कितना मज़बूत चिपका है इसमें, और कितनी हमारी ये ब्लेड है हैवी वर्क है, इसको भी हम चेक करेंगे। आप देख सकते हो ये काफ़ी मज़बूत है, ये काफ़ी ब्लेड तो काफ़ी अच्छा है, मगर यही है कि ये फिनिशिंग नहीं दे रहा है। अगर आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं इसको, वरना आप चाहें तो फिर आप मशीन से भी कर सकते हो। मशीन से काफ़ी टाइम लगता है, इससे काफ़ी फास्ट काम है। सिर्फ आपको एक बार सादा ब्लेड से फिनिशिंग मारना होगी अगर आप इस ब्लेड से मोल्डिंग करते हो, क्योंकि इस ब्लेड से फिनिशिंग में मोल्डिंग नहीं आ रही है। अगर आपकी मार्बल की इस तरीके की कटिंग है तो फिर इससे मोल्डिंग हो सकती है क्या नहीं, ये भी हम चेक करेंगे।
अगर आपकी मार्बल में बी कटिंग है तो आप मोल्डिंग नहीं कर सकते। जैसे आप देख सकते हो इसमें मेरी बी कटिंग थी तो मैंने इसकी मोल्डिंग की, ये यू कटिंग में बदल चुकी है, ये राउंड में हो गई है, पर हमारी वी कटिंग थी आप देख सकते हो। और मेन चीज़ मैंने इसमें ये चीज़ देखी है, अगर आप लिटा के इसकी मोल्डिंग करते हो तो इतनी फिनिशिंग नहीं आती है। आपको मोल्डिंग करना है तो खड़ा करना होगा मार्बल को, तो ही आपकी मोल्डिंग अच्छी हो सकती है, वरना आपकी मोल्डिंग अच्छी नहीं होगी। आपको खड़ा करके इस तरीके से मशीन चलाना होगी। अगर आपका कितना भी बड़ा पीस है, अगर आप लिटा के मोल्डिंग करोगे तो फिर काफ़ी टाइम लग सकता है, मोल्डिंग भी आपकी इतनी अच्छी नहीं होगी। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें, ये कितने रुपए में आता है, तो ये 1000 रुपए में स्टार्ट हो जाता है मिलना। और जितना आप इसकी चौड़ाई थिसनेस ज़्यादा लोगे, उतने ही रुपए इसके आपको ज़्यादा देना होंगे। अगर आप चाहें तो आप हमारे यूट्यूब पे जो नंबर है स्क्रीन पर, उससे भी ख़रीद सकते हैं, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अमेज़ोन का, जो आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं, दोनों जगह से आप ले सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, जो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।